गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वी आर स्टडिंग क्लास फिफ्थ साइंस। इट्स थर्ड चैप्टर नेम इज करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। सो इन दिस लिविंग थिंग्स, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर लिविंग थिंग्स। वी ऑलरेडी नो अबाउट दैट प्लांट्स ऑल्सो आर लिविंग थिंग्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स ऑल्सो आर living things which will be reproduce, breathe, and move, grow and need food, respond to stimulus and produce waste substance. These are the they are doing. It means characteristic of living things का मतलब होता है कि कुछ characters हैं हम जिनसे हमें पता चलता है कि हम living things में आते हैं, ठीक है। या जैसे plants हैं, animals हैं, human beings हैं, ये क्या है, living things हैं। आप लोग भी living things हो ना, सब लोग लिविंग थिंग्स हैं। तो इसी तरह से प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स जो हैं लिविंग थिंग्स होते हैं। ये लोग क्या क्या करते हैं, जो भी आपके प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, ये लिविंग थिंग्स किस तरह से पता चलता है कि लिविंग थिंग है, ये ग्रो करते हैं, मूव करते हैं, ब्रीथ करते हैं, सबको फूड की ज़रूरत पड़ती है, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलेट वाला छूने पर रेस्पॉन्स करते हैं, वेस्ट प्रोड्यूस होता है इनके अंदर और रिप्रोड्यूस भी करते हैं। तो ये क्या है, करेक्टरिस्टिक है लिविंग थिंग्स के। नाउ अगेन अब हम बात करते हैं मूवमेंट के। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं किसके बारे में, मूवमेंट के बारे में। एनिमल मूव इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर एंड टू एस्केप फ्रॉम एनिमीज। ह्यूमन बींग्स एंड सम एनिमल्स हैव लेग्स टू मूव, फिश यूजेस फिन टू स्विम इन वाटर, बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई, प्लांट्स नॉट रियर नॉर्मली मूव एंड सम प्लांट्स कैन मूव देयर सर्टेन पार्ट्स लाइक सनफ्लावर। इट्स मीन्स मूवमेंट का मतलब होता है कि जो मूवमेंट होती है, मूवमेंट मतलब एक जगह से दूसरी चेंज करना, अपनी प्लेस चेंज करना, ठीक है। अब हम बात करते हैं जैसे एनिमल्स हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह सर्च खाने की तलाश में, शेल्टर की तलाश में, ठीक है, और एनिमीज से बचने के लिए क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, ठीक है, मूव करते हैं। ह्यूमन बींग्स हैं जैसे सम एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स जो हैं, ठीक है, कुछ एनिमल्स उनके क्या होते हैं, लेग्स होते हैं, ठीक है, मूव करने के लिए। फिंस, फिश में फिंस होती हैं जो वाटर के अंदर मूव करती हैं, स्विम करती हैं। बर्ड्स के पास विंग्स होते हैं जिससे फ्लाई कर पाते हैं। और आप लोग अच्छे से जान पाते हो कि जो आपका प्लांट्स हैं वो मूव नहीं कर पाते, मगर कुछ प्लांट्स होते हैं जो मूव करते हैं, उनके कुछ पार्ट्स जो है मूव करते हैं, ठीक है, जैसे सनफ्लावर है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन हम बात करते हैं ग्रोथ के बारे में। प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स इंक्रीज इन साइज एंड वेट। प्लांट्स और एनिमल्स और ह्यूमन्स, इनका तीनों का जो साइज़ भी बड़ा हो जाता है, साइज़ बड़े होते हैं और वेट भी बढ़ जाता है। अ स्मॉल सीड ग्रो इनटू अ सीडलिंग विच फर्दर चेंज इनटू प्लांट। स्मॉल सीड्स होते हैं वो ग्रो होते हैं और सीडलिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं, बाद में ये प्लांट्स में चेंज हो जाते हैं। इस तरह से ग्रोथ का पता चलता है कि प्लांट्स किस तरह से बनते हैं, ठीक है। एनिमल्स ग्रो होते हैं, आप लोग सब जानते हो कि एनिमल्स धीरे धीरे बनते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं और एक टाइम पे एनिमल्स की ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, ठीक है। जैसे कैट है, आप कैट को जानते हो, कैट का बेटा, कैट का बच्चा जो होता है वो क्या कहता है, किटन कहा जाता है। अब किटन जो होता है वो धीरे धीरे बड़ा होता रहता है, उनकी उसकी ग्रोथ होती रहती है, तो ग्रोथ के होने की वजह से वो एक मैच्योर कैट बन जाती है, ठीक है। नाउ प्लांट कंटिन्यू टू ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ। प्लांट जो हैं, प्लांट्स एक ऐसे लिविंग थिंग्स हैं जो ऑलवेज ग्रोथ करते हैं, जब तक इनकी लाइफ रहती है जब तक ये ग्रोथ करते रहते हैं। ओके, अब बात करते हैं फीडिंग के बारे में। फीडिंग मतलब खाने के बारे में। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड, जैसे कि हम सबको पता है कि सबको फूड की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है, ठीक है। और फूड की क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एनर्जी चाहिए होती है, बिना एनर्जी के आपको काम करोगे, तो उसके लिए एनर्जी पाने के लिए हमें क्या करना होगा, फूड तो खाना होगा ना, जब तो हमें एनर्जी मिलेगी जब तो हम वर्क कर पाएंगे, ठीक है। तो जैसे आपके ग्रीन प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स क्या हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, ग्रीन प्लांट्स हैं अपना खाना खुद बनाते हैं, किसके प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, ठीक है। और इस प्रोसेस को जो कहा जाता है वो कहा जाता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहा जाता है, ठीक है। प्लांट्स टेक इन वाटर थ्रू रूट्स, प्लांट्स जो है वाटर लेते हैं, रूट्स के थ्रू वाटर लेते हैं,
जैसे मशरूम और माल्ट है, ये क्या है, डेड एनिमल्स और प्लांट्स में से अपना फूड गेट करते हैं मशरूम और माल्ट, ठीक है। और इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाई जाती, ये ध्यान रखना, माल्ट और मशरूम के अंदर क्लोरोफिल नहीं पाई जाती, ये अपना खाना प्लांट डेड प्लांट्स और एनिमल्स से प्राप्त करते हैं, ठीक है। एनिमल्स और ह्यूमन मिक्स, ये भी आप लोग सब जानते हो कि हम लोग जो है अपना खाना खुद नहीं बना पाते, हम लोग जो डिपेंड हैं प्लांट्स और अदर एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो इसी तरह से एनिमल और ह्यूमन मिक्स ये डिपेंड होते हैं किसके ऊपर, प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर।